वेलकम टू मेरे ट्यूटोरियल्स। आपको बहुत बहुत खुशामदीद मेरे ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि लोगो क्या होते हैं, लोगो कितनी टाइप्स के होते हैं और लोगो क्यों यूज़ होते हैं, लोगो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और लोगो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और लोगो हम फ्री में किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोगो हम क्यों यूज़ करते हैं। लोगो जो है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक मुनफरिद शनाख्त किसी भी प्रोडक्ट की हो सके और किसी भी प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करे कि ये इस चीज़ की यानी कि वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोगो यूज़ करते हैं। एक हिकमत इसमें यह भी है कि आप वैल्यू किसी चीज़ की बढ़ा रहे हैं तो उसका आप लोगो रख देना। जैसे फॉर एग्जांपल फैंटा है, फैंटा अगर फॉर एग्जांपल फैंटा का अगर एक लोगो नहीं होता तो जब लोगो ही नहीं होता, नेम भी नहीं होता, तो इसको लोग इतने अच्छे तरीके से नहीं जान सकते। तो फैंटा इसका लोगो रख दिया तो लोग इसको जब देखते हैं तो लोगों के माइंड में जहन में इसका एक मतलब एक वैल्यू हो जाती है इस लोगो की वजह से भी, सिर्फ लिक्विड की वजह से नहीं लोगो की वजह से भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो लोगो कुछ होते हैं टेक्सचुअल वाइज, कुछ लोगो होते हैं पिक्चर वाइज। जैसे ये आप देख रहे हैं लोगो, ये पिक्चर वाइज लोगो है, ये टेक्स्ट वाइज लोगो है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप मज़ीद लोगो देख रहे हैं, पेप्सी का एक लोगो है, ठीक है, सेवन अप का लोगो है, नेक्सस का लोगो है, प्ले स्टेशन का लोगो है, ट्विटर का लोगो है, एप्पल का लोगो है, कंपनी का लोगो है, बैट का लोगो है, ओलंपिक्स के लोगो हैं, शेल का लोगो है, नाइकी का लोगो है, फेसबुक का लोगो है, ट्विटर का लोगो है, वॉल्सवैगन का लोगो है, एलजी ब्रांड का लोगो है, ठीक है। तो लोगो जो है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को एक शनाख्त देता है लोगो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है जो आपको लोगो ही नहीं सिर्फ बल्कि फ्री लोगो ही नहीं प्रोवाइड करती बल्कि सिर्फ इसके अलावा आपको फ्री लोगो को डिज़ाइन करने का मौका भी देती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेमिंग टेक्स्ट एक फ्री वेबसाइट है लोगो डिज़ाइन करने की। मैं जो हूँ अभी इसमें साइन इन हूँ, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप इस वेबसाइट में अपना एक अकाउंट बना लें, साइन अप हो जाए। साइन अप तो आप सबको ही होना आता होगा कि हम किसी भी वेबसाइट के अंदर हम अकाउंट किस तरह बनाते हैं, साइन अप किस तरह होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं लोगो मेन्यू में, मेन्यू बार में आप देख रहे हैं होम, लोगोस, फॉन्ट्स, प्राइसिंग। तो लोगो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मल्टीपल लोगो दिखेंगे, मल्टीपल पेजेस भी दिखेंगे, उसके ऊपर मल्टीपल लोगो होंगे, कुछ टेक्स्ट वाइज हैं, कुछ पिक्चर वाइज भी होंगे। तो हम आज कोई भी लोगो डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्लेन टेक्सचर लोगो है। तो सेकंड पिक्चर आपके पास, सेकंड पेज पर आपके पास ये लोगो सिलेक्ट तो हो गया, मगर यहाँ पर आपसे दो ऑप्शंस पूछ रहा है कि इसे एडिट करना चाह रहे हैं या इसी को ही डन कर रहे हैं। अगर मैं इसको डन कर देता हूँ तो ये मेरे पास यही लोगो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ तो ये फिर हम एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपके पास फीचर ऑप्शंस आ गए लोगों के। अगर आप इसकी टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ नेम HUSSAIN, ठीक है। कुछ ही सेकेंड्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट लोगों का चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप इसके साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं, मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे इसका साइज़ भी चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली यहाँ पर मल्टीपल फॉन्ट फैमिली है। मैं यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ कि आप फॉन्ट किस तरह चेंज कर सकते हैं। बम्पर के स्टाइल का इसका टेक्स्ट लोगों का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। देखें HUSSAIN जो है वो चेंज हो गया नेम। फिर इसकी एडवांस सेटिंग आ जाती है। एडवांस सेटिंग में ये है कि टेक्स्ट पैडिंग, जो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लोगों का, इसके लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में पैडिंग किस तरह चेंज होगी। तो यहाँ पर 10 है, मैं इसकी पैडिंग कर देता हूँ 20 फॉर एग्जांपल। तो देखें यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा,
ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी और दाएं भी और बाएं भी। अंदर का जो टेक्स्ट का जो फासला है, इसकी जो दीवारों का जो फासला है वो ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा ग्रोस साइज, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि एक प्रीमियम पैकेज है इनका। अगर आप यहाँ पर लाइट ग्रीन येलो देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैं डिज़ाइन जो कर रहा हूँ इसके मुझे कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, तो आप इस मैं इसको ज़ीरो ही रहने देता हूँ। इसके अलावा अलाइनमेंट है लोगों की, इसको लेफ़्ट में करना चाह रहे हैं, राइट में, मैंने सेंटर में ही करी हुई है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग है एक प्रॉपर्टी, स्लेंट है, वर्टिकल स्लेंट है, रोटेट टेक्स्ट है, टेक्स्ट को आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ज़्यादा इसको नहीं छेड़ना चाह रहा। इसके बाद लोगों की एक और फीचर है लोगो। लोगो फीचर पर जब आप जाएंगे तो अभी जो है ग्रेडियंट पर सिलेक्ट हुआ है। मैं अगर पैटर्न पर करना चाहूँ तो पैटर्न पर लोगो का जो टेक्स्ट है वो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब पैटर्न के अंदर भी मुख्तलिफ पैटर्न की कैटेगरीज हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। मैंने इस तरह की सिलेक्ट कर ली है, अब इस तरह देखें आपको दिख रहा है। तो लोगों का जो पैटर्न है जो मैंने सिलेक्ट किया इस तरह हो जाएगा। कलर में अगर आप चेंज करेंगे तो कलर फुल बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल पैटर्न पर सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा आउटलाइन साइज, लोगों का जो टेक्स्ट है इसकी, इस लोगों की टू आउटलाइंस होती हैं, फर्स्ट आउटलाइन एंड सेकेंड आउटलाइन। आउटलाइन साइज वन, आउटलाइन साइज वन अगर मैं बढ़ा कर यहाँ पर मैं 9 कर देता हूँ तो आप खुद देखेंगे कि इसकी आउटलाइन बढ़ गई है। देखें ये ग्रे वाली आउटलाइन थी, ये बढ़ गई। अब एक और आउटलाइन है जो इसकी वाइट है, यहाँ पर रेड हो रही है, ठीक है। तो मैं इसकी आउटलाइन टू जो है वो चेंज कर देने की कोशिश करता हूँ, मैं वो कर देता हूँ 6 पर। तो आउटलाइन साइज टू जो है वो भी देखें आप चेंज देख रहे हैं, यानी कि वाइट आउटलाइन साइज टू है, कि ग्रे जो है आउटलाइन साइज वन है, ठीक है। फिर इसके बाद आप आउटलाइंस के कलर भी चेंज कर सकते हैं, मगर मैं यहां पर कलर चेंज नहीं कर रहा। इंसर्ट हाईलाइट है ऑन है, कर्व हाईलाइट है ये भी ऑन है, ठीक है। इसके बाद शेडो पर आ जाते हैं। शेडो जो फीचर है ये टेक्स्ट का, लोगो का शेडो ड्रॉप करती है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ड्रॉप शो हुआ है, रिफ्लेक्ट पर भी शो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट शेडो है इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। ग्लो में देख लेते हैं, ग्लो में देखें यहाँ पर इसका जो शेडो है एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से, एक्स और वाई ऑफसेट के लिहाज से ब्लू आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं ड्रॉप पर ही सेट करता हूँ बाय डिफॉल्ट। एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट, एक्स ऑफसेट पर जो है शेडो वो 4 है, वाई ऑफसेट पर 4 है। एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट जो है यानी कि शेडो एक्स एक्सिस पर कितना गिर रहा है और वाई एक्सिस पर, दोनों सेम है, ठीक है। ब्लर जो है कितना धुंधलापन है यानी कि ब्लरी कितना है। शेडो कलर, शेडो कलर आप चेंज कर सकते हैं जो आप चाहें, मैंने यहाँ पर ब्लैक ही रखा हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद ओपेसिटी है, एक्स ऑफसेट भी है, ब्लर है, ओपेसिटी है, ठीक है। यहाँ पर आप ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट यानी धुंधलापन कितना हो, कितना क्लियर हो, कितना क्लियर ना हो, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड फीचर जो है, जैसे टेक्स्ट है लोगों का, टेक्स्ट के पीछे जो उसका एरिया है, बैकग्राउंड जो है इसका, उसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर वाइज है, मैं यहाँ पर पैटर्न पर सेलेक्ट करके और पैटर्न में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न सेलेक्ट कर देता हूँ, देखें। तो लोगो जो है उसका बैक एंड पे बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो उसका जो है चेंज हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। इसी तरह आप पैटर्न मज़ीद चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट पैटर्न है, ग्रेडियंट पैटर्न इस तरह का हो जाएगा। कलर जो सिलेक्ट हुआ है ग्रेडियंट पे वही आप चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, और सब सनबर्स्ट जो है पैटर्न वो रेज वाइज हो जाएगा, यानी कि इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पर जो रेज हैं वो थोड़ी वॉल तक इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैंने यहाँ पर पैडिंग चेंज कर दी थी, ठीक है। अगर पैडिंग कम कर दूंगा तो यही रेज बिल्कुल एंड तक आ जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पैटर्न पर ही रख देता हूँ, ठीक है। फिर लास्ट फीचर है इमेज, यानी कि इस इमेज को आप अगर फिक्स करना चाहें तो उस पर प्रीमियम पैकेज प्रीमियम फीचर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ। इमेज विड्थ फिर आ जाती है, इमेज विड्थ आप कितना देना चाह रहे हैं, इमेज हाइट। अच्छा, ये जो फाइल है, फाइल फॉर्मेट, ये PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, GIF GIF में होना चाहिए, या JPEG में होना चाहिए, ये XCF, ये जो है लोगों के फॉर्मेट्स हैं, यानी कि PNG फॉर्मेट, GIF और JPEG फॉर्मेट्स में होना चाहिए। JPEG जो है उसमें मल्टीपल्स कलर्स आ जाते हैं, ज़्यादा कलर्स वाले पिक्चर्स आ जाती है, जो PNG उसमें इतनी ज़्यादा कलरफुल नहीं होता, यानी कि PNG बहुत बेहतर है और JPEG जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, वो अपने लिहाज से, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज के बाद हम डन पर क्लिक कर देते हैं। डन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ही सेकंड्स वेट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट हो गया। अगर आपने प्रीमियम यूज़ किया है, प्रीमियम फीचर यूज़ किए, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। बाकी ये जो लोगो है फ्री टू यूज़ हाउ एवर यू लाइक, और बाय लोगो टू रिमूव वाटर मार्क। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप इस ये जो लोगो है फ्री है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इसे एडिट तो हमने कर लिया है। फेसबुक पर अगर आप भेजना चाह रहे हैं, यानी कि कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट आप फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर इसका आप HTML कोड लेना चाह रहे हैं तो HTML कोड आप हासिल कर सकते हैं इस लोगों का। डाउनलोड डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं साइन इन हुआ हूँ फ्लेमिंग टेक्स्ट वेबसाइट में, तो मैं सेव टू अकाउंट कर दूंगा, ठीक है। सेव टू अकाउंट यानी कि जो मैंने अभी डिज़ाइन किया है इसे मैंने सेव टू अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। सेव जो है ये मेरे पास हो चुका है, तो जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लोगो डाउनलोड हो जाएगा। देख लें आप कि ये मेरी PC पर, डिवाइस पर जो है डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब आप इस लोगो को आप YT चैनल्स पर, फेसबुक पर, इसके अलावा ब्लॉग पर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो वेबसाइट है हम इसके लोगो यूज़ कर सकते हैं, एक पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं और कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो कमर्शियल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टी शर्ट है आपके, आप कोई टी शर्ट बना रहे हैं और आपने यहीं से कोई लोगो बना कर आप टी शर्ट पर अगर आप लगाना चाह रहे हैं, तो ये आ जाती हैं चीज़ें कमर्शियल यूज़ पर। जब आप कमर्शियल यूज़ पर करेंगे तो फिर आपको कुछ पेमेंट देनी होगी जो इनकी पॉलिसी के मुताबिक है, ठीक है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, थोड़ा सा डीप था, आपको थोड़ा सा बोर भी शायद कर रहा हो, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करेंगे, कमेंट्स प्लीज़ कीजिएगा, हमें आप बताइए कि हमने आप यानी कि इसमें आपको पसंद भी आया है ये लेक्चर या नहीं। ओके।